वेलकम टू माय न्यू वीडियो दोस्तों। तो आज मैं आया हूँ कार डेको, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और ये है अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक S11। तो इसमें हम करने जा रहे हैं बहुत सारे मॉडिफिकेशन। अभी तो आप देख ही रहे हो कि वैसे तो टॉप मॉडल है और इसमें लगभग सारे चीज़ें आते ही हैं, फिर भी हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, उसको आपको दिखाएंगे। तो अभी बहुत कुछ होने वाला है, आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखना, ओके। तो गाइस, ऐसा कुछ है अपना स्कॉर्पियो S11, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इस टाइप का कुछ स्टेयरिंग मिल जाता है और ये तो काफ़ी सुंदर ही लगता है। और इसमें नॉर्मल एंड्रॉयड, इसमें शायद कुछ खास ज़्यादा आता नहीं है। तो इसमें कैमरा अपने को अटैच करना है और इस टाइप का गियर लीवर है, और सीट कवर भी थोड़ा, सीट कवर चेंज तो नहीं होगा आई थिंक, कुछ करेंगे। और मैट कुछ ऐसा लग चुका है, इस पर अपन फ्लोरिंग करेंगे। पूरी सीट जो है, पूरी सीट अपनी इसकी खुलेगी, उसके बाद ये सारा चीज़ होगा। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर सन ग्लास होल्डर मिल जाता है इस टाइप का, और कुछ खास आता नहीं। यहाँ पे लाइट आता था पहले वाले मॉडल में, बट अभी तो नहीं आता है। और इसको अपने को चेंज करना है, इसमें अपने को LED डालने का है, और पीछे भी देखो LED डालने का है। तो काफ़ी सारा इसमें कुछ काम है। सीटें वगैरह जो है खुलने शुरू हो रही हैं, और यहाँ पे अपने भाई लोग भी सारा पूरा मेहनत कर रहे हैं इतना गर्मी में। तो आप देखते जाओ पूरा वीडियो कैसे पूरा सीट खुल जाता है, उसके बाद लेमिनेशन का काम होगा। यहाँ पे देखो अपना एक सीट निकल चुका है, और यहाँ पे देखो खाली हो गया है, तो इस टाइप का है। और अभी सारे सीट खुलेंगे, उसके बाद लेमिनेशन का काम होगा। फ्लोर लेमिनेशन कहते हैं इसे, ताकि आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों जरूरी भी होता है इस टाइप का। तो अभी सारे सीट जो है खुलेंगे। भाई लोग देखो, ये पूरा जो फ्लोर को खोल दिए हैं, सीट को निकाल दिए हैं। अब इसके ऊपर होगा लैमिनेशन का काम, और कुछ ऐसा सा लगता है। देखो खुला हुआ गाड़ी ऐसे ही चल रहा है काम। ये देखो सारे नट बोल्ट को सेट कर रहे हैं, जिधर जिधर भी था उधर, और यहाँ पे भी लैमिनेशन होगा। भाई लोग अभी देखो, ये लैमिनेशन को जो है फैलाया जा रहा है। तो और अभी अभी मुझे पता चला कि हर गाड़ी का लेमिनेशन उसके हिसाब से आता है, तो है ना भैया? हाँ। तो स्कॉर्पियो हो या फिर कोई भी गाड़ी हो, तो उसके हिसाब से लेमिनेशन आता है। और इसको इस टाइप के अभी देखो फिटिंग किया जा रहा है अच्छे से, ताकि इसमें कुछ भी पानी गिरता है या फिर कुछ भी गिरता है तो साफ़ करने में आसानी हो। क्योंकि अगर आप देखो तो ये वाला जो गद्दा वाला कपड़ा है, इसमें कचड़ा बहुत ज़्यादा अटक जाता है, और ये आप देखो इसमें आराम से गाड़ी को सफाई करने में दिक्कत नहीं होता, आराम से गाड़ी साफ़ हो जाती है। तो इसको कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास नई गाड़ी है, तो जब आप गाड़ी खरीदे तब उसी समय आप इसको लगवा लो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि ये गंदा ना हो। तो गाइस, यहाँ पे अभी फिल्म भी चढ़ रहा है। तो कौन सा फिल्म है भैया, थोड़ा बताएँगे? 70% वाला है, और ये आपकी धूप से जो ज़्यादा गर्मी हो जाता है कार में, उसको बहुत कम कर देता है। तो ये देखो फिल्म चढ़ रहा है इसमें, अभी साफ़ कर रहे हैं, इसके बाद देखना है इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होता है। ये देखो अपनी गाड़ी जो है तैयार हो रही है बहुत अच्छे से, और काफ़ी सारा इसमें भी काम होना है, काफ़ी सारा तो और भी होना है, बट शायद पूरा आज काम ना हो पाए इसमें, पर जितना हो पाएगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो ये अपना लेमिनेशन का काम पूरा हो चुका है, ये देखो पूरे तरफ ऐसे अच्छे से हो गया है। अब इसके बाद अपन सीट को यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे, फिर डन हो जाएगा, और नॉर्मल जो मैट रहता है वो कर देंगे, उसके बाद ये काम पूरा डन हो जाएगा। और यहाँ पे फिल्म का लेमिनेशन उधर का बचा है और इधर का हो ही गया है, तो ऐसा कुछ काम चल रहा है अपना। पूरा जो सीट है लगना स्टार्ट हो गया है। स्कॉर्पियो में ये अच्छी बात है कि ना, ये वाला सीट ऐसे फोल्ड हो जाता है,
जिसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती लेमिनेशन के लिए, तो ये एक अच्छा चीज़ है स्कॉर्पियो में। इसमें अभी लग रहा है सीट कवर कपड़ा वाला, क्योंकि गर्मी में यही कामयाब होता है, क्योंकि लेदर में बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है, तो ये कपड़े वाला ठीक था। और अपने को ये वाइट कलर का जो है ज़्यादा पसंद आया, तो अपन इसी को लगवा रहे हैं। तो अभी पूरा लग जाता है, फिर आपको मैं थोड़ा सा लुक दिखाता हूँ। इसमें भी लग रहा है बम्पर प्रोटेक्टर, तो ये आप लोग काफ़ी सारा देखे होंगे, काफ़ी बार देखे होंगे, तो ये कुछ इस टाइप का होता है। ये देखो, ये कुछ इस टाइप का होता है, ये काफ़ी कुशनी है, मैं भी पहली बार आज देख रहा हूँ, काफ़ी कुशनी है और थोड़ा मोड़ा स्क्रैच तो ये झेल ही लेगा। एक क्रोम का पट्टी है यहाँ पर, तो इस टाइप का दिया हुआ है। तो देखो, ये इस टाइप से ऐसे इंस्टॉल होता है, बहुत इजी, और ये फ्लेक्सिबल है, तो कहीं भी आराम से मुड़ जाएगा, इसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये देखो, ऐसा कुछ लग रहा है ये लगने के बाद, उसको निकाल रहे हैं झिल्ली को, उसके बाद वहाँ पे जो है क्रोम का है पट्टी। डबल टेप है ना, तो उसमें एक बार लगा तो दीजिए आप, इसमें चिपका रहे हैं। साइड वाला मतलब किनारे में तक नहीं है ना भैया, उसमें एक बार लगा दो ना डबल टेप। तो अपना सीट कवर लग गया है, और साथ साथ सीट कवर जो वाइट कलर है उसको मैच कराने के लिए अपने को कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपन डाल रहे हैं यहाँ पे वाइट कलर का LED, ताकि और अच्छा लगे इंटीरियर अंदर से। तो ये आप जब रात को देखोगे, या फिर नॉर्मल जब आप वाइट लाइट लगाते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है वाइट लाइट। तो अभी भैया वाइट लाइट को डाल रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखो दोस्तों, ये वाइट कलर का LED जो है ऐसा जल रहा है, और रात को काफ़ी अच्छा लगेगा आपको जलता हुआ देख करके। अभी गाइस यहाँ का चेंज किए, तो बेचारे उसको भी कैसे हम दुखी कर सकते हैं, तो अब हम उसको भी चेंज कर देंगे ताकि ये अकेला फील ना करे। तो देखो, ये भी जल चुका है बहुत अच्छे से, और काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। ये है दोस्तों नाखून प्रोटेक्टर, क्या बोले पता नहीं, तो कुल मिला के ये होता है कि नाखून का स्क्रैच नहीं आएगा जब अपन ऐसे खोलते हैं, तो खोलने का टाइम नाखून का स्क्रैच हो जाता है, बड़ा नाखून होने की वजह से लगाने पर नाखून का स्क्रैच नहीं होगा। ठीक, तो अभी हम लोग की गाड़ी की सारी मॉडिफिकेशन जो थी वो हो चुकी है। तो सर अब आप एक बार बता देंगे क्या क्या हुआ गाड़ी में। ये भैया, ये क्लासिक स्कॉर्पियो क्लासिक है जी, इसमें फ्लोर लेमिनेशन हुआ है, नीचे पूरे सीट खुले हैं जी, उसके नीचे अपन सीट खोल के फिर फ्लोर लेमिनेशन किए हैं जी, ट्यूबिंग करने के बाद, और उसके बाद फिर सीट दोबारा बिठाए जी। ये आपके नीचे कारपेट के सेफ्टी के लिए, हाँ हाँ, इसमें ना पानी जाएगा ना डस्ट जाएगा, आपका बच्चे कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं तो नीचे पूरा अंदर नहीं जाता है। हाँ। उसके बाद सेकेंडरी में आपका फिल्म लगा है, सारे ग्लास पे फिल्म लगा हुआ है, ये सन प्रोटेक्ट करता है, और इन्होंने ऑल इंडिया परमिट वाला बना लगाया हुआ है 70%। 50 भी चलता है, पर इन्होंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि कब इसमें चलान हो जाए, इसलिए कोई भरोसा है नहीं इसलिए। उसके बाद थर्ड में इनका सारे सीट कवर में टर्किस का कवर लगाया गया, सीट कवर कपड़े वाला जी, ये क्या है थोड़ा गर्मी को कम करता है। कहाँ पर पड़ेगा सर ये? आपका जिंदा रोड पे है सर, आपका भीमापुर चौक से 100 मीटर आगे आएंगे जिंदा रोड पे, तो अपना शॉप है अजीत कार डेको, रायगढ़ में है, रायगढ़ जी। ये आप विगत 20 सालों से सेवारत है, लोग आप विश्वास में आते हैं, सामान भी अच्छा देते हैं, चीप रेट भी मिलता है जी, और क्वालिटी भी अच्छी रहती है जी। तो मैं यहाँ का मैनेजर हूँ जी, और संदीप सर भी आ गए हैं यहाँ पर, तो सर आ गए, हाँ सेठ जी है, काम और बच गया है। तो ये वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी इसमें और भी कुछ कुछ अच्छे अच्छे काम होने बाकी हैं, जो कि हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे आने वाले दिनों में। अरे दीदी, थैंक यू आपका गाड़ी को वीडियो बनाने के लिए देने के लिए, थैंक यू मोस्ट वेलकम, नेक्स्ट गाड़ी के लिए। और आगे भी कुछ कुछ काम है, वीडियो भी बनाइए एक दिन, हाँ, तो एक अच्छा रिव्यू वीडियो भी अपन बनाएंगे स्कॉर्पियो का, अच्छे से चलाओ के यहाँ पे ये गाड़ी भी है, रेंज रोवर है ना। तो
और भी दिखाएंगे, तो मैं थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ पॉइंट कर देता हूँ। जैसे कि ये कवर लगने के बाद जरूर ठीक है, बट अपना डोर पॉकेट छिप गया, डोर पॉकेट यूज़ नहीं हो पाएगा, ये दिक्कत है। और यहाँ पे ये अपना आर्म रेस्ट होता है वो भी छिप गया, तो ये सब कुछ कुछ दिक्कत है। तो आप लोग ये वीडियो लगे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी बहुत कुछ बचा है इस गाड़ी में करने के लिए अपने को। तो मिलना किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।